हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैं जानता हूँ कैरी मैनेटर का मैंने इंट्रो चोरी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे। बट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फंसे हुए हैं कि कैसे आपको इमेज डैश ग्रैब करना है, ठीक है। मान लो मैं क्रोम में गया और क्या, जी हाँ, यूट्यूब पे चला गया, पता नहीं यार, मुझे कम करना पड़ेगा जी। और मान लो कोई वीडियो सर्च किया, ठीक है ना। क्या वीडियो सर्च करूँ मैं अपना कॉलेज का पाइथन ट्यूटोरियल सर्च किया, ठीक है। ये दीदी श्रद्धा खापरा दीदी आई थिंक पढ़ा रही हैं, और मैंने कहा अरे यार ये थोड़ा लोड में टाइम लगा, ये सब ऐसी बात है। हाँ जी, नहीं नेट की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट एड ब्लॉक लगा हुआ, यूट्यूब को मत बताना। ओके ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। एड ब्लॉकिंग हो जाए है वही, 9.1 मिलेंगे, क्या बात है। ऐसे भी यूज़ कराओ, मैं प्लीज़ लाइक मारो वहाँ पर। ओके तो ये आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, आपको पता ही होगा कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है कंप्यूटर पे। आपको जो कीबोर्ड पर PRT स्क्रीन दबाने पर प्रिंट स्क्रीन दबाना है, ठीक है। ये देखो, ऐसे दबाया, यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करते हुए मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और PRT स्क्रीन पर ये भी कर सकते हैं आप। मान लो मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वीडियो भी बना जाता हूँ, यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करो तो वीडियो बन जाएगा, रिकॉर्ड देख रहे हैं ना। फिर यहाँ पर आपका जो स्निपिंग टूल होता है वो सब मिल जाता है आपको, उसे स्निपिंग टूल लिए यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एक वेबसाइट में जाएंगे, गूगल का वेबसाइट है वो, और उसे उसका नाम है गूगल कीप। टेक्स्ट में मारते हैं सर्च, मैंने मारे थे सर्च, और आप चलते हैं गूगल कीप पर। यहाँ पर देख रहे हो, टेक है नोट, यहाँ पर जाना है नोट्स। अगर आपको रिमाइंडर रिमाइंडर ये सब में फंस गए हैं आप, तो नोट्स पे चले आना है, और फिर ऐसा करके नोट्स पे, और फिर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वो इमेज। कैसे करना है, Ctrl+V सिंपल, या फिर तो राइट क्लिक और पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गया जी हाँ, फटाक से पेस्ट हो गया। और थोड़ा टाइम रुकना है जब तक ये हो ना जाए लोड। और फिर आपके जो 3 डॉट है मोर पर क्लिक करके ग्रैब इमेज टेक्स्ट, ये करना है आपको क्लिक, और फटाक से ग्रैब हो गया इमेज टेक्स्ट। जो लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, देख रहे हो आप। कभी कभी ये एरर पैदा कर सकता है, तो बार बार ट्राई करने से मिल जाएगा। मैंने ये बहुत सारे यूज़ कर रखा है इस सबको, देखो कितने मैंने निकाल चुका हूँ, और बहुत सारे मैंने निकाल चुका हूँ अब तक, बहुत सारे यूज़ कर चुका हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इसी को ही जेमिनी पर ट्राई करूँ, कहाँ पर ट्राई करूँ, जेमिनी पर, गूगल का जो AI, ये देखो जेमिनी गया, नया चैट ओपन किया, इसको पेस्ट के यहाँ पर भी पेस्ट होता है वैसे, Ctrl+V पे दबाने पर, या फिर पेस्ट वाला राइट क्लिक करके पेस्ट दबाने पर ग्राब दिस इमेज, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया, अब फटाक से देता हूँ और नहीं कर पाता है फिर नहीं, ठीक है। फिर हम ट्राई करेंगे बिंग के लिए, ठीक है, आप देखते हैं ये कर पाता है फिर नहीं। तो ये लिखा है कैन असिस्ट एंड इमेज प्रोसेस डायरेक्ट, नहीं कर सकता अब तक, नहीं है इसके पास, ठीक है। ऑनलाइन OCR टूल्स काफ़ी सारे मुझे नहीं, और डेस्कटॉप बहुत सारे हैं, वैसे OCR ही है जो गूगल क्लिप यूज़ करता है ये सब इमेज टेक्स्ट ग्रैब करने के लिए, ये OCR ही यूज़ करता है, ठीक है। रिकग्निशन, ये जो होता है ना मार्केट वार्केट मिलते हैं, वो ऐसा क्यों करके ले लेते सब कुछ, रुपीज, मैनुफेक्चर डेट, ये सब कुछ वही होता है, और वही लोग OCR यूज़ करते हैं, ये भी OCR ही यूज़ करते हैं। और कब से मुझे बता दिया ऑप्शंस, तो ये तो नहीं बता पाया, वैसी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने बिंग पर, कोपायलट, जो कोपा यहाँ पर मैं कर रखा हूँ। अगर आपको जानना है कैसे करना है तो फिर कमेंट करना जरूर, क्योंकि कमेंट करने से तो डिमांड आएगी, नहीं तो सप्लाई में दूंगा पीछे से दाब के। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर,
कॉपी आई मीन पेस्ट, और अपलोड नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मिस हो गया, नहीं हुआ इतना। ओके हो गया, इस बार हो गया। कभी कभी पता नहीं एरर क्यों जनरेट करता, पर ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। वो बैलेंस ऑप्शन पर चूज करता हूँ, आपको बताता हूँ क्राफ इमेज टेक्स्ट फिर से मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। और मैं फटाक यहाँ पर करता हूँ कॉपी, और फिर चलते हैं एज पर और करते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर जो है ना, ये विंडोज की प्लस वी, इसको दबा करके आप अपने क्लिपबोर्ड को ऑन कर सकते हो। बट पहले पर अगर आप करोगे, और पहले कभी नहीं यूज़ किया था क्लिपबोर्ड, तो आएगा यहाँ पर टर्न ऑन द कीबोर्ड। तो पटक से यहाँ पर टर्न, ये ऑन हो जाएगा क्लिपबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं करता हूँ एंटर, देखते हैं ये क्या पता है या फिर नहीं। फिर चलते हैं देखते हैं ब्लैक बॉक्स कर पाता है फिर नहीं। ब्लैक बॉक्स में भी AI है, कुकिंग वाला AI, तो ये कर पाता है अपने ब्लैक बॉक्स, ठीक है। टैग से मैं एंटर करके रख देता हूँ जब तक ये करता रहा अपना काम। तो मैंने एंटर कर दिया और लिया, इसको इस तरफ करते हैं, अरे इस तरफ। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, देखो यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो गूगल की इस तरीके से आराम से नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया बस, और काफ़ी ज़्यादा सब अच्छे से नहीं लिखा है इसने, देख रहे हो आप। यहाँ पर देखो डबल कर दिया, ओके ये भी अच्छा से लिखा ही, पर यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी करके नहीं दिया, यानी कि आपको ऐसे करके नॉर्मल मेथड से कॉपी करके जाना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट एक कॉपी का बटन दे दिया और यहाँ पर कॉपी कर सकते हो, तो ये बढ़िया काम किया। और स्पेसेस भी मेंटेन करके लिखा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस वेस कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर आपको मैनुअली स्पेस इस टाइप का देना, सॉरी इसमें क्या दे रहा हूँ मैं, इसमें देना पड़ेगा राइट, ऐसे करके इतना तक। हाँ कुछ सिखाऊँ जरूर मैं, कोई नहीं। ब्लैक बॉक्स में बस देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करते हैं जी उनका इमेज इंसर्ट, यहाँ पर इमेज भी आ जाता है क्योंकि ये क्लिपबोर्ड को ही कॉपी था। तो अपलोड करते हैं इमेज, यहाँ पर डालते हैं इमेज को। आई डोंट नो क्यों इमेज नहीं डल रहा है, आई डोंट नो। यहाँ पर डिले है क्या? नहीं डल रहा है, क्यों नहीं डल रहा है, क्यों नहीं डल रहा है, क्यों?